हेलो सलाम वालेकुम रहमतुल्ला आसिम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। आप लोग बखैर वाफियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह। अहलन वेलकम। बड़ा अच्छा लगा कि आप हजरात सभी आ गए माशा अल्लाह। एक साहब ने वो ग्रुप पर आया था मैसेज, और वो ये कहा, किसी ने, किसी का कमेंट था, उसका जिक्र करना यहाँ जरूरी है, और इसलिए जरूरी है ताकि हमारे जितने भी देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, उन तक ये बात पहुंचे। तो किसी ने कमेंट किया कि भाई आसिम भाई इज अ लेजेंड। अच्छा, फिर आगे लिखा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनका चैनल इतना आगे क्यों नहीं है। यानी, और ये हकीकत है कि माशाल्लाह आसिम भाई के पास जो मवाद है और जो एक चीज को समझने और समझाने की सलाहियत है, वो खुदादाद है माशाल्लाह, और बहुत ही सलीके, तहजीब और शाइस्तगी के साथ वो अपनी बात रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आसिम भाई के चैनल को आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जब जब वो स्ट्रीम करें तो आप उनके चैनल के ऊपर जाएं और उनसे इस्तेफादा करें। ये बहुत इसी तरीके से, यानी अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते तो वीडियो देखते हैं, तो इधर उधर की वीडियो देखने से बेहतर ये है कि इस तरह की वीडियोस देख लें कि जिससे आपका इल्मी फायदा हो। जी हजरत मैं एक बात करना चाहता हूँ। आपने कहा सब आ गए, सब आ गए हैं, अगर जिनका इंतजार था वो ना आए, ठीक है। तो जी एक उनको, तो ये चीज, जी उनका उनका मैसेज आया है कि वो अगले हफ्ते आएंगे। अच्छा, मैं अगले हफ्ते भी फ्री हूँ हजरत, इनशाला। जी जी अच्छा, एक चीज। दूसरा, मैं ये लिंक आसिम इफ्तखार भाई का डाल रहा हूँ हजरत आपकी कमेंट सेक्शन से, तो ये जी जरूर दोस्त जो है इसको ये डाल सब्सक्राइब दिया। करें। और जी हजरत, जी मैं बिल्कुल अपनी रीजन दे देता हूँ, गो के इससे दूसरे दोस्त अगर इख्तलाफ करना चाहें वो करें। जी आसिम इफ्तखार भाई जिन लोगों के लिए बात करते हैं या जिस अंदाज में बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरों में उन लोगों की तादाद बहुत कम है। जिस तरह सोना अपनी मकदार में कम होता है मगर उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो मसला आसिम इफ्तखार भाई क्यों, ये उन लोगों को सोचना चाहिए के तमाशबीनी और गुलगपाड़ा इन चीजों के ऊपर तो कान धरते हैं, मगर जो लोग फिलोसॉफिकली, आइडियोलॉजिकली और बड़ा एकेडमिक वे के अंदर बड़े जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उनके ऊपर महारत रखते हैं और तकाबली जायजा माशाल्लाह पेश करते हैं, उनकी तरफ हमारे लोग क्यों तवज्जो नहीं करते? तो ये इससे हमारी मुआशरे की जबूं हाली या हमारी टेस्ट का पता चलता है, ये अफसोस है। जी, चले माशाल्लाह जबरदस्त। आसिम भाई कुछ इजाफा करना चाहेंगे कबल इसके कि अगले कॉलर को लिया जाए? मैं बस शर्मिंदा हो रहा हूँ, आप लोग जो कह रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है, बस मैं यही कहूँगा। अच्छा चले, खैर ये आपकी तवाजो है, वरना हकीकत यही है। चले माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आगे चल